नमस्कार। साइनोसाइटिस और नाक में पॉलिप जटिल और परेशान करने वाले रोग के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस बीमारी का कोई परमानेंट या सटीक उपचार संभव ही नहीं है। यह एक गलत धारणा है। इस बात को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि साइनोसाइटिस आखिर होता क्या है, यह बीमारी बनती कैसे है, इसके क्या कारण हैं, साइनोसाइटिस और नाक में पॉलिप से कैसे बचा जा सकता है और साइनोसाइटिस का सही उपचार कैसे होता है। आज मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। हमारी नाक और माथे के आसपास अनेक छोटे बड़े कैविटीज होते हैं जिन्हें साइनस कहा जाता है। सामान्य रूप से ये साइनस हवा से भरे होते हैं, पर जब कभी हमें सर्दी जुकाम होता है तो यह साइनस बलगम से भर जाते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते। यह साइनस हमें इन्फेक्शन और बीमारियों से भी बचाते हैं, परंतु जब सर्दी जुकाम लंबे समय तक बना रहता है और बार बार होता है तो इन साइनस में बलगम जमा हो जाता है। लंबे समय तक बलगम से भरे रहने पर यह साइनस बेहद दर्द देते हैं और इस दर्द और साथ में जुकाम को साइनोसाइटिस कहते हैं। इस रोग की शुरुआत एलर्जी और जुकाम से तो होती है जो बाद में साइनोसाइटिस का रूप ले लेती है। साइनोसाइटिस की तकलीफ के साथ साथ नाक में पॉलिप की समस्या भी बन जाती है, जिसे नाक में मांस बढ़ना भी कहते हैं। साइनोसाइटिस के अनेक कारण होते हैं, जैसे एलर्जी, लो इम्यूनिटी जिससे बार बार किसी भी कारण से जुकाम और बुखार हो जाता है, मौसम बदलने पर जुकाम हो जाना और जुकाम का सही और उचित इलाज ना कराना। साइनोसाइटिस को मामूली जुकाम समझ लिया जाता है। साधारण रूप से रोगी को 7-10 दिन की एंटीबायोटिक कोर्स को कहा जाता है। एंटीबायोटिक से सिर्फ जुकाम कम होता है मगर साइनस में बलगम जमा रहता है, इस वजह से सिर में दर्द की तकलीफ हमेशा बनी रहती है। नींद में तकलीफ, नाक और सिर में दर्द, हर समय विक्स, ओट्रोविन और स्टीरॉयड स्प्रे लेने पड़ते हैं। यह दवाइयां लंबे समय तक लेने से शरीर को इनकी आदत पड़ जाती है, जिसके बाद इनके साइड इफेक्ट्स या हानिकारक परिणाम होते हैं। यह एक ऐसा चक्रव्यूह बनता है कि उम्र भर बीमारी को बनाए रखता है। कुछ लोग ऑपरेशन भी करा लेते हैं। साइनस के ऑपरेशन में दूरबीन के माध्यम से साइनस को साफ कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन के साइड इफेक्ट्स और रिस्क भी होते हैं। ऑपरेशन के बाद एलर्जी बढ़ जाती है, सर में दर्द और कभी कभी नाक के कैंसर का भी खतरा बना रहता है। ऑपरेशन से 3 से 4 महीने तक तो आराम मिलता है मगर बाद में फिर से साइनोसाइटिस बनता है और नाक में मांस भी बढ़ने लगता है। यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि साइनोसाइटिस और नाक में पॉलिप से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले यह समझें कि जुकाम हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है, कोई बीमारी नहीं है। जुकाम हमारे शरीर को एलर्जी और बैक्टीरिया से बचा रहा होता है। जब आपको कभी धूल से छींक आती है तो आपकी नाक उस धूल भरे जर्म्स को बाहर फेंकती है। जुकाम के समय हमारा शरीर इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है। जब यह लड़ाई हमारा शरीर जीत लेता है तो जुकाम अपने आप ही खत्म हो जाता है। हाँ, अगर जुकाम 3-4 दिनों तक चलता रहे या उससे अधिक दिनों तक चलता रहे तो इसका इलाज कराना चाहिए। सही होम्योपैथिक उपचार से जुकाम नियंत्रित और ठीक हो जाता है। इस तरह होम्योपैथी साइनोसाइटिस का बचाव भी करती है। दूसरी बात, प्राणायाम अनुलोम विलोम से नाक और साइनस की सेहत स्वस्थ रहती है। अगर जुकाम और साइनोसाइटिस साथ हो जाता है तब भी योग करने से साइनोसाइटिस के लक्षणों में कमी आती है। तीसरी बात, एडवांस होम्योपैथी और अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक साइनोसाइटिस को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स और ऑपरेशन से एडवांस होम्योपैथी बचाव करती है। क्योर होम्यो क्लिनिक एक ऐसा एकमात्र होम्योपैथिक होलिस्टिक सेंटर है जहां 10 अनुभवी डॉक्टर्स की टीम, डॉक्टर इंदु गोयल, डॉक्टर पूजा गुप्ता और मैं डॉक्टर अमन गोयल के साथ रोगियों का उपचार करती है। 20 वर्षों से यह सेंटर मेरठ में स्थित है। धन्यवाद।